नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बताएंगे टॉप 5 शेयर्स के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, बोनस शेयर पे करती है, जिसमें ग्रोथ भी आगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया ऐसे स्टॉक्स बताइए जो ब्लू चिप स्टॉक्स है जो कि आगे काफ़ी बोनस शेयर भी हमें दे और डिविडेंड भी पे करे। बोनस के साथ साथ उन्हें डिविडेंड भी चाहिए, मतलब बेहतर डिविडेंड देने वाली हो और बोनस शेयर देने वाली हो। तो ऐसे ही 5 कंपनियां लेकर हम आए हैं जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है और बोनस शेयर देती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस प्लेस से अवश्य जुड़ जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाइए, अभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या सक्सेस प्लेस आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, बोनस शेयर और हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, मतलब बोनस शेयर भी चाहिए और हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी भी चाहिए, तो उसमें पहले नंबर पे है हमारा इन्फोसिस, जिसमें आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड भी मिलेगा और बोनस शेयर भी मिलेगा। तो डिविडेंड भी काफ़ी बेहतरीन देती है कंपनी, और अभी थोड़ा सा इसका पी रेशियो जो है काफ़ी बढ़ चुका है, 24 का जा चुका है, पहले 18 का था। मतलब समझ सकते हैं पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पहले 18 का मात्र था, अभी 24 पहुंच चुका है। मतलब काफ़ी मूवमेंटम इन्फोसिस में देखने मिला है। अभी ये 930 रुपीज़ का स्टॉक का प्राइस है, मतलब शेयर का प्राइस है, और ये प्राइस थोड़ा सा मतलब आप वेट कर सकते हैं करेक्शन का। अगर मार्केट में करेक्शन आता है तभी इस स्टॉक में भी आपको करेक्शन देखने मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। वहीं इसके पास कैश और रिजर्व की बात करें, 73,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश और रिजर्व है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है ये। और कंपनी का जो डेप्ट है बिल्कुल जीरो है। तो डेप्ट फ्री कंपनी में मनी जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, और मैनेजमेंट उसका बेहतरीन होना चाहिए। मैं कई पॉइंट देता हूँ, कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ हो, मैनेजमेंट उसका बहुत ही बेहतरीन हो, क्योंकि जब मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो कंपनी कभी भी घाटे में सकती है, कंपनी कभी भी लॉस में जा सकती है, कंपनी कभी भी प्रॉब्लम फेस कर सकती है। लेकिन जो अच्छे मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी जब भी प्रॉब्लम आएगी वो अच्छे से हैंडल करेगी कंपनी को और उस प्रॉब्लम से बाहर लाएगी। तो डेप्ट कंपनी का बिल्कुल जीरो है। उसके बाद दूसरी कंपनी है हमारा TCS, दोनों IT सेक्टर से है। तो दो कंपनी जो है हमारे इस लिस्ट में IT सेक्टर से, TCS भी आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस शेयर देती है, साथ ही साथ इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड, मतलब 50 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड आपको हर साल मिलती है इस कंपनी में। और इस कंपनी में आपको उसका आधे कर दें, 20 से 25 रुपया इन्फोसिस में, और TCS में आपको 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ हर साल। कभी कभी ये स्पेशल डिविडेंड भी देती है, जब स्पेशल डिविडेंड देगा तो समझिए एक्स्ट्रा आपको मिलेगा उस पर रिटर्न। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो तीसरी कंपनी TCS की बात करें, TCS के पास जो है 78,000 करोड़ का रिजर्व है, तो रिजर्व देख लीजिए काफी अच्छी है, तभी कंपनियां बोनस दे रही आपको। और इसका पी अभी हो चुका है 27, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, कोई भी डेप्ट कंपनी के ऊपर नहीं है। उसके बाद अगला तीसरी कंपनी है हमारा रिलायंस। रिलायंस भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, इसमें कई सारे लोग क्वेश्चन कर देते हैं, डेप्ट कंपनी के ऊपर है, अभी बैलेंस शीट पर आपको दिख रहा है, लेकिन आगे जो है आपको अगले क्वार्टर तक में बैलेंस शीट से पूरा डेप्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना इन्वेस्टमेंट आया, अब तो गूगल भी इन्वेस्ट कर चुका है इसमें, समझ सकते हैं। पहले ही ये डेप्ट फ्री कंपनी हो चुका था, वर्चुअली डेप्ट फ्री, अब तो ऊपर से गूगल का भी इन्वेस्ट आया, तो गूगल के इन्वेस्टमेंट आने से कंपनी के पास और ज़्यादा कैश हो चुका है, तो बहुत ही कैश रिच कंपनी है। साथ साथ रिजर्व कंपनी के पास देख सकते हैं 4,26,000 करोड़ का है, तो ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी आपको आगे मूवमेंटम इसमें देखने मिल सकता है, आगे आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें मोमेंटम देखने मिलेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी कैश रिच हो चुकी है, कंपनी का डेप्ट भी जीरो हो चुका है, और आप पी देखिए 42 का जा चुका है। कंपनी का पी काफ़ी हाई होते जा रहा है, पहले कंपनी का पी जो था मात्र 35 था, 35 पिछले बार हमने बताया था इसको बोनस शेयर के वीडियो में। उसके बाद अगली कंपनी जो है हमारा चौथे नंबर पर वो है SCL टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर से तीसरी कंपनी। तो जो IT कंपनी होती है कई सारी रेगुलर इंटरवल पर आपको बोनस देती है, क्योंकि इसमें जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी आगे है, मतलब अब जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसमें और आगे आप ग्रोथ दे सकते हैं। कई सारी कंपनियां तो अब वर्क फ्रॉम होम लाई है, तो TCS जैसे हो गया, इन्फोसिस, SCL टेक भारत के मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा पकड़ है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, तो इन सब कंट्री में काफ़ी पकड़ है इस कंपनी की। ये भी कंपनियां पिछले कई सालों से देखिए काफ़ी ग्रोथ दिखाया और काफ़ी रेगुलर इंटरवल पर ये भी कंपनियां बोनस दी है। इसका जो रिजर्व और सरप्लस मनी है वो 38,000 करोड़ का है, तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा रिजर्व और सरप्लस मनी है इस कंपनी के पास भी। और कंपनी का जो डेप्ट है बिल्कुल जीरो है, तो और कंपनी का पी जो है मात्र 18 का है, देख सकते हैं मात्र 18 का, जहां आपको इन्फोसिस 24 के पी पर मिल रहा है, TCS 27 का, और इस कंपनी का जो पी है मात्र 18 का है। विप्रो और SCL टेक ये आपको मात्र 18 के पी पर मिल रहा है, तो ये भी
चौथी हमारी बेहतरीन कंपनी है जो कि बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है और आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड पे करती है और बोनस, क्योंकि डिविडेंड और बोनस दोनों चाहिए एक साथ शेयर होल्डर को। तो बहुत सारे मतलब हमारे इन्वेस्टर ने कमेंट किया था कि बोनस और डिविडेंड दोनों एक साथ। उसके बाद जो पांचवी कंपनी है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कंपनियां पीछे बोनस कम देती थी लेकिन अब आपको इसके जो बिजनेस में है या कहें इस कंपनी में जो ग्रोथ है आगे काफ़ी ज़्यादा देखने मिल सकता है। और डिविडेंड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेगा, डिविडेंड हमेशा पे की है और काफ़ी बेहतरीन डिविडेंड दिया है पिछले हर साल। तो इस डिविडेंड पे करने में काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। बोनस थोड़ा कम पे की है पीछे लेकिन अब ऐसा उम्मीद है, मतलब क्योंकि कंपनी में आगे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है। आप जो पैंडमिक सिचुएशन देख रहे हैं, इस पैंडमिक में कई सारी छोटी छोटी कंपनियों को ये बड़ी कंपनियां एक्वायर कर सकती है, कई सारी छोटी छोटी कंपनियों को ये बड़ी कंपनियां एक्वायर कर सकती है। तो जैसे ये बड़ी कंपनियां इस छोटी कंपनियों को एक्वायर कर लेती है तो निश्चित है इसमें ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्टिव है आपको काफ़ी दिखेगा। और कंपनियां वर्चुअली डेप्ट फ्री है और इसका पी जो 81 का है, तो पी भी 81 का है तो काफ़ी अच्छा पी रेशियो है। और उसके बाद कंपनी का डेप्ट बिल्कुल जीरो है, तो कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है और रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है 12,000 करोड़ का। और ये कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर की है जो कि इवर ग्रीन सेक्टर है, मतलब इस सेक्टर में आपको कभी भी ज़्यादा गिरावट देखने नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही पांच बेहतरीन कंपनियां हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड भी पे करेगी, बोनस भी। अगर आप चाहते हैं कि इस लिस्ट को हम बढ़ाएं, 10 का लिस्ट करें, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपको 10 कंपनियां चाहिए, 10 बेहतरीन कंपनियां जो आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस दे, आपको रेगुलर इंटरवल पर टाइम दे, आपको रेगुलर इंटरवल पर बोनस दे और आपको रेगुलर इंटरवल पर डिविडेंड पे करे, तो वैसे 10 बेहतरीन कंपनियों के लिस्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आने वाले समय में। तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।